अगुवान होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती है। कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक है कृतिका, इसका पहला अध्याय है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। आज हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्या है? भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को पढ़कर सुनकर समझते हैं। ये भाषा है। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, लेकिन आपकी बुक में तीन तरह की भाषाओं का वर्णन है। आइए हम सब एक एक कर इसके बारे में जाने। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा को कथित भाषा भी कहते हैं। मौखिक भाषा उस भाषा को कहते हैं जो हम बोलकर सुनकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को सुनकर पढ़कर समझते हैं। ये आपका मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा हम आपस में बातचीत करते हैं, फोन पे करते हैं, ये हमारा मौखिक भाषा का उदाहरण है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा उस भाषा को कहते हैं जो हम लिखकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे पत्र लिखना लिखित भाषा का मुख्य उदाहरण है। अब आगे आएंगे सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा उस भाषा को कहते हैं जो हम इशारों में अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे आपका इसमें उदाहरण आएगा, एक तो क्रिकेट मैच आप देखते होंगे, तो क्रिकेट मैच में अंपायर को देखा होगा, अंपायर इशारों में मैच की सारी गतिविधियों का जिक्र करते हैं। तो 4 रन, 6 रन, वाइड बॉल, ये आपको उनके इशारों से ही समझ में आ जाता है। दूसरा, ट्रैफिक पुलिस भी आपने देखा होगा चौराहे पर, आपको ट्रैफिक पुलिस इशारों में ही ट्रैफिक कंट्रोल करने की सारी बातें बताती है। अब आगे हम पढ़ेंगे बोली। बोली किसे कहते हैं? बोली वो होता है सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं, ये बोली कहलाती है। और अब पढ़ेंगे लिपि। लिपि उसे कहते हैं जो भाषा के लिखने के ढंग को बताती है। हम भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब फिर आगे आएंगे व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण हमें किसी भी भाषा को बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण से ही हम भाषाओं की जो लिखी गई भाषा है उसमें हमने क्या त्रुटियां की, क्या अशुद्धियां हुई, ये हमें व्याकरण ही ज्ञात कराता है। उसके बाद व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये तीनों अंग व्याकरण के जो होते हैं, ये आपका इसमें बुक में भी वर्णन है। बुक में इसके सारे एक्सरसाइज भी दिए गए हैं और सारे भाषाओं से संबंधित, वर्ण से, व्याकरण से, लिपि, बोलियां, सभी से ये दिए गए हैं। आप जानते होंगे हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ये हमारी हिंदी ही है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, लेकिन आपके जो बुक में एक्सरसाइज दिए गए हैं ये आपको फिल करना है और होमवर्क में नोटबुक में भी कंप्लीट करना है। ओके, धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, घर में रहिए।